दिए हुए संस्कारों ने मुझको बनाया है, सिर पर मेरी तेरी दुआओं का साया है, एक नहीं सौ जन्म उस पर कुर्बान है, वह मेरी माँ ही नहीं मेरी भगवान। दोस्तों युवाओं एवं देश के धड़कनों, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभात कुमार प्रवीण, मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर एंड लाइफ कोच। आज एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूँ जिसका शीर्षक है माँ को क्या चाहिए। एक माँ को क्या चाहिए। दोस्तों यह कहानी दिवाली के आसपास की है। रात में ही वाइफ और हस्बैंड ने एक लिस्ट बना लिया था कि कल मार्केट में क्या क्या खरीदना है। दोस्तों लिस्ट के अनुसार रात में ही दोनों वाइफ और हस्बैंड ने डिसाइड कर लिया था कि सुबह के फर्स्ट टाइम में जाके मार्केटिंग करना है और दिवाली का सभी आइटम खरीद के ले आना। जैसे ही सुबह के 8 बजे मार्केटिंग के लिए दोनों निकल रहे थे, तभी हस्बैंड ने अपने वाइफ से पूछा, माँ से पूछ ली, माँ को इस दिवाली में क्या चाहिए। दोस्तों पत्नी बोली, माँ को क्या चाहिए, माँ को बुढ़ापा आ गया है, बस उसको 2 जोड़ी कपड़े और खाने के लिए रोटी चाहिए, इसके अलावा उसका क्या रिक्वायरमेंट, बेटा तो बेटा ही होता है। वह फिर से अपने वाइफ को बोला, अरे फॉर्मेलिटी के लिए भी तो एक बार पूछ लेती, कुछ तो चाहिए माँ को। पत्नी ने बहुत ही गुस्सा पूर्वक बोली, बहुत हो तुम बड़े हो, श्रवण कुमार बनने के लिए चले हो, बड़े ही राम बनने के लिए चले हो, तुम ही जाके खुद पूछ लो माँ को क्या जरूरत है। बेटा निसहाय रूप से माँ के पास जाता है और माँ से आराम पूर्वक पूछता है, माँ दिवाली के लिए आइटम खरीदने के लिए जा रहा हूँ, यदि आपको कोई जरूरत है तो आप बता दो। माँ ने बोला, बेटे इस बुढ़ापा में मुझको क्या चाहिए, मेरी तो उम्र भी नहीं रही जो कोई नया सा आइटम खरीदो या कोई फटाका कर दो। फिर भी देख लो माँ, बेटा ने बोला, फिर भी देख लो माँ, यदि तुमको कोई चीज़ की आवश्यकता है, कोई चीज़ की ज़रूरत है तो बता दो। फिर वही जवाब माँ ने बोला, देखो बेटा तुम दोनों आराम से मार्केट जाओ, मुझको कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता रहेगी तो मैं आपसे मांग लूँगा। लेकिन बेटा तो बेटा, उसने अपने माँ से फिर हाथ जोड़कर विनती करके निवेदन करके माँ से पूछा, माँ कुछ तो लेना होगा। माँ, माँ तो माँ थी, माँ का दिल पसीज गया, माँ भावुक हो गई और बोली, ऐसे बोल रहे हो तो ठीक है, मैं लिस्ट बना के मैं देती हूँ। दोस्तों माँ घर में गई, एक कागज पे पेन से एक लिस्ट बनाने लगी। दोस्तों लगभग 1 पेज में वह लिस्ट बना और वह अपने बेटे को दे दी। इसके पश्चात बेटे ने उस लिस्ट को आराम से लेके अपने जेब में रख लिया और कार में बैठकर मार्केट की तरफ। रास्ते में ही वाइफ और हस्बैंड का नोकझोंक होना शुरू हो गया। वाइफ हस्बैंड को बोलने लगी, देखो पहले जो मैं लिस्ट बना के लाए हूँ, जो पहले दिवाली का रिक्वायरमेंट है पहले मैं खरीदूंगी, उसके पश्चात जो माँ का आइटम होगा वो तुम खरीदना। पत्नी के द्वारा बताया गया सजेशन के अनुसार ही उसका हस्बैंड एक एक आइटम खरीदता है मार्केट से और वह वापस आने लगती है। तभी उसका हस्बैंड बोलता है, क्या माँ के लिए आइटम तुम नहीं खरीदोगी। बोली, देखो मैं अभी बहुत थक गया हूँ, मैं गाड़ी में जाके बैठती हूँ और जो तुमको सामान खरीदना होगा तुम खुद खरीदो, और याद रखना गाड़ी का एसी चला के ही जाना। वो हस्बैंड गाड़ी का एसी चला देता है, उसकी वाइफ पीछे बैठी रहती है। पीछे बैठने के पश्चात जैसे ही उसका हस्बैंड जेब से माँ के लिए लिस्ट निकालता है और लिस्ट पढ़ने लगता है, वह लिस्ट पढ़ते पढ़ते वह उसके आंखों से आंसू आने लगता है, वह फफक फफक के रोने लगता है और उसको देख के वहीं पर बैठी हुई बीवी बोलती है, क्या हो गया, अभी तो अच्छे थे, तबीयत तो अचानक से बिगड़ नहीं गई। और झट से अपने हस्बैंड के हाथों में जो लिस्ट था उसको छीन ले। दोस्तों जो वो लिस्ट था जब वो अपने हस्बैंड के हाथों से ले लेती है और वह लिस्ट पढ़ती है
तो पढ़ते पढ़ते उसके वाइफ के आंखों में आंसू आ गया। वह एक कोई डिमांड लेटर नहीं था, वो कोई मांग पत्र नहीं था, कोई वो लिस्ट नहीं था, वह एक अच्छी माँ अपने बेटे को एक स्टोरी नहीं लिखी थी, वह एक अपने बेटे के लिए एक लेटर लिखी। दोस्तों, उस लेटर में लिखा हुआ था, मेरे प्यारे बेटे, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि तुम अपने कार्यों में बहुत ही बिजी हो, मेरा बुढ़ापा का समय आ गया, मेरी उम्र ढल गई है मेरे बेटे, बस एक चीज की जो कमी है, यदि वह कोई मार्केट में मिले, वह कोई दुकान में मिले, कहीं ऑनलाइन बिक के या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान पे मिले, या तुम उसे लोन पे लेके आ सके हो, तो प्लीज मेरे लिए लेके। और वह लिखा हुआ था, फुर्सत आ सके, बेटे मेरी बुढ़ापा आ गई है, मैं बहुत ही अंतिम अवस्था में आ गई हूँ, मुझे पता है मौत एक शाश्वत सत्य है, फिर भी वह कभी भी आ सकता है, लेकिन आप मेरे लिए दिन के मात्र 5 मिनट निकालकर हमारे साथ शेयर करो, जिससे हमारे बुढ़ापा का समय, मेरे अकेलेपन का समय कट जाएगा। और वह लिखा हुआ था, और उसकी बीवी वह पढ़कर रोई। दोस्तों, यह कहानी हर माँ के साथ, हर बेटे के साथ घटित होती है। आज के व्यस्तापूर्ण जीवन, आज के तनावपूर्ण जीवन, आज के संघर्षपूर्ण जीवन में माँ बेटे के साथ रह नहीं पाते, दिनों दिन यह व्यवस्था बढ़ती ही जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने माँ को कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी एक ही रिक्वायरमेंट है कि हम उसके साथ बैठे, उसके साथ बातचीत करें। और जीवन में भी हमें यह भी सीख मिलती है कि हम सफलता के लिए अपने रिलेटिव का, अपने शुभ चिंतकों का साथ छोड़ देते हैं। दोस्तों, जब तक आपको सफलता मिलती है, जब आप सफल होते हैं, जब तक आपके रिलेटिव, आपके शुभ चिंतक आगे पीछे नहीं रहेंगे, तब तक वह सफलता बहुत ही फीकी होगी, और वह सफलता अकेले प्राप्त करते हो तो उसका कोई मूल्य नहीं। एक बार फिर, यदि अभी तक आप YouTube चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और यह स्टोरी अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।